अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर अपने जॉब के लिए किस तरह से आप प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। वी ऑल नो कि जब हम स्कूल लेवल पर होते हैं, कॉलेज लेवल पर होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं, तो वहाँ पर हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं जहाँ पर आपको कुछ प्रेजेंटेशंस भी डिज़ाइन करने को मिल जाती हैं। कभी आपकी जो है वो टीचर्स आपको ये असाइनमेंट दे देते हैं कि आपने PPTs बनानी है, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, या फिर अगर आप किसी जॉब में जॉब पर हैं, लाइक आप किसी ऑफिस वगैरह में होते हैं, वहाँ पर भी आपको समटाइम्स प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं। तो आप एक प्रोफेशनल स्टाइल की प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं बिल्कुल कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे टैम्पलेट्स को यूज़ करके, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फ़ाइज़ा वसीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आपको लाइक व्हाट वी कैन से, आपको स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, मतलब सारी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को देती रहूँ। मोस्टली हमारे चैनल्स पर जो कॉन्टेंट आपको मिलेगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स का मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशंस की डिज़ाइनिंग की कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक टूल यूज़ करूँगी, और वो टूल कौन सा है, लेट्स सी। सबसे पहले आपने अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कर लेना, या फिर अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप उसका ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ब्राउज़र में चले जाना है, गूगल में चले जाना है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे कैनवा लिखकर। कैनवा बेसिकली एक वेबसाइट है जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग किस चीज़ की कर सकते हैं, आप यहाँ पर लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पर पोस्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट, FB पोस्ट, व्हाट्सएप के स्टेटस की पोस्ट, वो चीज़, ये चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर प्रेजेंटेशंस, फ्लायर्स, बैनर्स, लोगोस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो है वो फ्री टैम्पलेट्स यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, गूगल के ऊपर मैंने कैनवा लिखा था और मेरे पास लिंक आ गया, फर्स्ट लिंक मैंने क्लिक किया है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसका वेबसाइट का लिंक भी लिख सकते हैं, www.canva.com। ओके, अब ये वेबसाइट जो है वो इस वक्त मेरे सामने ओपन हो रही है। मेरे पास थोड़ा अभी इस वक्त मेरी जो वीडियो है वो अपलोड पर है, तो थोड़ा मुझे इंटरनेट का इशू चल रहा है, तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आई होप आप लोग जो है वो बोर नहीं होंगे, थोड़ा वेट करते हैं। और यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप जो है वो ईज़िली, बहुत आसानी के साथ, बहुत कम टाइम में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम जो है वो प्रेजेंटेशंस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रेजेंटेशन का सेक्शन आ चुका है। अब इसका जो रेशो ये हमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है 16:9 की प्रेजेंटेशंस यहाँ पर आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनके टैम्पलेट्स आपको बने बनाए यहाँ पर मिलेंगे। अभी इस वक्त शो नहीं हो रहा है, अगर मैं थोड़ा वेट करती हूँ तो इनकी पिक्चर्स भी यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं ये शो हो चुकी है। सी ऑल के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ ताकि मेरे पास जो है वो सारी व्हाट वी कैन से सारी पिक्चर्स आ जाएं, ठीक है, सारे टेम्पलेट्स आ जाएं, सॉरी। तो मैंने सी ऑल के ऊपर क्लिक किया है और ये अभी इस वक्त लोडिंग में है, हम थोड़ा वेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे ना वो आपको डिफरेंट टाइप्स के मिल सकते हैं, लाइक डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप की प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं। होता है ना कि कभी आप बिज़नेस रिलेटेड प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, कभी आप एजुकेशन रिलेटेड प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स में मिल जाएंगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको 3,439 टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। यहाँ पर आपको फ्री टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी अगर एक टेम्पलेट उठाते हैं, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर ये सारे टेम्पलेट्स मेरे सामने शो रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर फ्री लिखा हुआ है ना वो फ्री हैं, और जहाँ पर ये डॉलर का साइन बना हुआ है इट मीन्स कि ये जो टेम्पलेट्स हैं ये फ्री नहीं हैं। तो यहाँ से आपने कोई भी एक फ्री टेम्पलेट उठा लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये फर्स्ट वाला ही उठाती हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आप चाहें तो इनको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं स्टाइल्स के हिसाब से, थीम्स के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से और कलर्स के हिसाब से, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थीम किस टाइप की चाहिए आप उसके हिसाब से सॉर्ट आउट कर दें ये सब। और इसके अलावा यहाँ पर प्लस का डिज़ाइन बना हुआ आ रहा था,
जो फर्स्ट नंबर पे, इसका मतलब ये था कि आपको कोई भी टेम्पलेट अगर नहीं चाहिए, आप ख़ुद ही अपनी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं ख़ुद की बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन मेरे सामने, जो मैंने टेम्पलेट उठाया था, वो मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट इसकी आप देख सकते हैं पेजेस हैं, फर्स्ट पेज टाइटल पेज किस तरह से था, सेकंड पेज किस तरह से है, फिर ये थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर वी हैव 19 पेजेस इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, और आप जो है वो अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके और इनको बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने इस हेडिंग के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है वो चेंज हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, चेंज करके देखते हैं। मैंने लिखा लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखती हूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट लिखा है। अब इसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, लाइक आप इसको एडिट कर सकते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। मुझसे गलती से डिलीट हो गया, तो यहाँ पर अंडू का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर टॉप पे, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये अंडू है। अंडू मीन्स कि कुछ गलती हो गई है, तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इसको, आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो ये सेकंड चीज़ भी मेरे पास यहाँ पर आ गई है, आप इसकी पोजीशन को सेट कर लें। अच्छा, डुप्लीकेट के अलावा यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज़ मिलता है, आप फॉन्ट साइज़ यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसके अलावा कलर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे कलर्स। ये जो तीन कलर्स हैं ये थीम के हिसाब से हैं, बाकी यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है। अच्छा, इसके अलावा कलर के अलावा यहाँ पर आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप इसकी स्पेसिंग कर सकते हैं, आप इसकी इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, इसको एनिमेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, पोजीशन सेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, लिंक वगैरह ऐड करना चाहते हैं एंड में आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मोर के ऑप्शन में जाते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें और हैं यहाँ पर, कॉपी पेस्ट सेलेक्ट मल्टीपल, ये सारे ऑप्शंस जो आपको मिल रहे हैं ना यहाँ पर, ये बेसिकली क्या हैं, ये आपको फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस को यूज़ करके आप जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, इसको मैं करती हूँ फिलहाल यहाँ से क्लोज़। अच्छा, अब ये मैंने आपको जो है वो व्हाट वी कैन से, ये मैंने आपको हेडिंग की चेंजेस करके दिखाए थे। इसी तरह से यहाँ पर टेक्स्ट के चेंजेस भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग के ऊपर भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें, आप इनको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनकी अलाइनमेंट चेंज करना, ये सब चीज़ें बुलेट्स में देना चाहते हैं, नंबर्स में देना चाहते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग में यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग मिल जाती है, साथ में यहाँ पर आपको लेटर्स की स्पेसिंग भी मिल जाती है। ओके, इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो इफ़ेक्ट्स में यहाँ पर आप टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, लाइक आप शेडो देना चाहते हैं, आप लिफ्ट देना चाहते हैं, होलो, इको, ग्लिच, बहुत सारे आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, एनिमेशन दे सकते हैं। ओके, ये बात हो गई। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको बहुत कितनी स्लाइड्स दी गई हैं, 19 स्लाइड्स दी गई हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 18 तक बनाई है, अब आप इस 19 को हटाना चाहते हैं तो आप पूरी की पूरी स्लाइड को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो। आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, आप वो पिक्चर्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास एक टेम्पलेट। अगर मैं यहाँ से बैक चलूँ और इसको लीव करूँ तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल रहे थे, आप उन टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कैनवा की वेबसाइट को यूज़ करके अपने लिए डिफरेंट प्रेजेंटेशन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने एक और टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर ओपन किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ शो करवाने के लिए कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स और बहुत ही
कम टाइम में आप इनको जो है वो चेंज करके, जस्ट आपने फॉर्मेटिंग करनी है, अपने टेक्स्ट खुद के ऐड करने हैं, ये सब कुछ आप करके अपनी खुद की प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। और बहुत सारे आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। वी ऑल नो कि फ्रीलांसिंग के ऊपर क्या होता है, आपको प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन करने के लिए भी मिलती हैं, आप फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लाइक आप ये अपनी गिग्स बना के रख दें कि भाई मैं प्रेजेंटेशंस भी डिज़ाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर किसी ने अपनी प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन करवानी है तो वो जो है वो हमसे करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि किसी ने अगर अपनी प्रेजेंटेशन बनवानी है तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपको मैसेज कर देंगे, और आपने जस्ट कैनवा के ऊपर आना है। बहुत अच्छे अच्छे टैम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये टैम्पलेट्स फ्री में हैं, आपने इन्हें जस्ट उठाना है, अपनी खुद की एडिटिंग करनी है, लाइक टेक्स्ट चेंज कर दिया, कलर्स चेंज कर दिए, फॉर्मेटिंग चेंज कर दी, और अपना जो प्रोजेक्ट तैयार किया और क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन करना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो सेकंड टेम्पलेट मैंने उठाया है ये भी काफ़ी टाइम ले रहा है, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, होता है नहीं होता हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में, हम इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कोशिश रहेगी कि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।